आठवां नंबर क्वेश्चन में कहता है मेरा, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। एपी दिया हुआ है यानी कि एपी में 50 पद है, हमको पदों की संख्या मालूम है 50 है, इसका तीसरा पद हमको दिया हुआ है 12, तो तीसरा पद यानी कि A3 12 है, तो A3 का फॉर्मूला होता है A+2D बराबर हो जाएगा 12, समीकरण एक। और अंतिम पद 106 है यानी कि एक एपी में 50 पद है और अंतिम पद 106 है यानी कि 50वां पद 106 हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं A50 हो गया 106, तो A50 का फॉर्मूला होगा A+49D बराबर 106, समीकरण दो हो गया ये मेरा। और A और D का मालूम होगा तब मेरा 29वां पद निकलेगा। तो लिखते हैं समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण दो है मेरा A+49D माइनस समीकरण एक है A+2D बराबर 106 - 12 A+49D माइनस ए माइनस प्लस माइनस 2D बराबर 106 में से 12 घटेगा तो हो जाएगा 4 हो जाएगा 94। ए प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, 49D में से 2D घटेगा तो 47D बराबर हो जाएगा 94। तो 47 × 94 यानी कि D बराबर मेरा 2 निकल कर आ गया। तो D निकल गया और हम A का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण एक में रखने पर तो अपने आप A का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखते हैं D का मान समीकरण एक में रखने पर, D का मान समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक है मेरा A+2D बराबर 12, A+2D बराबर 12, तो A+2 और D का मान है 2, यहाँ 2+12 A+2×4 बराबर 12, तो A बराबर 12 प्लस 4 है इधर आएगा तो माइनस में 4, ए बराबर घटेगा तो ये मेरा 8 हो जाएगा। ए और डी हमको पता हो गया, यहाँ मेरा डी है तो मेरा कहता है प्रश्न से कि 29वां पद निकालें, 29वां पद हमको निकालना है। तो 29वां पद का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखते हैं प्रश्न से उनतीसवां पद, तो 29वां पद का फॉर्मूला होता है मेरा A+28D, तो ए के माने 8 प्लस 28 और D के माने 2 यानी कि 8 + 28 × 56, तो 56 × 8 64 हो गया यानी कि 29वां पद मेरा 64 निकल कर आ गया। तो दोस्तों देखिए आप लोग इस सवाल को शुरू से, और जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर सवाल को बताऊंगा। और मेरा वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो कमेंट भी कीजिएगा, इससे मेरा और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और जहाँ कहीं भी समझ में दिक्कत हो हमको ज़रूर बताइएगा, मैं इसी सवाल को मैं रिपीट करके अगले क्वेश्चन में
अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को डालकर समझा दूंगा। दोस्तों धन्यवाद, देखते रहिए हमारे चैनल को।